सुप्रभात मित्रों, मैं हूं संजय सिंघानिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंघानिया SVC। दोस्तों, आज मैं वर्ग दशम का संस्कृत विषय का अध्याय 10 मंदाकिनी वर्णम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। इससे जितने भी क्वेश्चन बने हैं उस सभी क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा कि मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है। मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है महात्मा विदुर, बी है महर्षि वाल्मीकि, सी है महर्षि वेदव्यास और ऑप्शन डी है कालिदास। तो जानिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महर्षि वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन हुए? महर्षि वाल्मीकि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो आपका यह है कि रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? रामायण के पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है सूरदास, बी है वाल्मीकि, सी है वेदव्यास और डी है कालिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन आपका ये रहा कि अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? ऑप्शन है रामायण, बी है महाभारत, सी है रघुवंश और डी है भगवत गीता। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामायण। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो यह रामायण का भाग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार आपका यह रहा कि रघुवंश काव्य की रचना किसने की? रघुवंश काव्य की रचना किसने की? ऑप्शन ए है महात्मा विदुर, ऑप्शन बी है महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी है महर्षि वेदव्यास और ऑप्शन डी है कालिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। रघुवंश काव्य की रचना किसने की? कालिदास ने की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव आपका ये रहा कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? मंदाकिनी नदी जो है वह किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? ऑप्शन है चित्रकूट, बी है हिमालय, सी है मंदार और डी है पारसनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट पर्वत के निकट जो है मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर छह। क्वेश्चन नंबर छह आपका रहा कि सीता रामचंद्र की क्या थी? मिसप्रिंट हो गया, सीत लिखा गया है जो कि यहाँ होता सीता होगा। तो सीता रामचंद्र की क्या थी? ऑप्शन ए है माता, बी है पुत्री, सी है बहन और ऑप्शन डी है पत्नी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पत्नी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सात। क्वेश्चन नंबर सात है कि मंदाकिनी नदी कहाँ है? मंदाकिनी नदी कहाँ है? ऑप्शन ए अयोध्या, बी चित्रकूट, सी काशी और ऑप्शन डी है वृंदावन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठ। क्वेश्चन नंबर आठ आपका ये रहा कि मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है? मंदाकिनी का वर्णन जो है रामायण के किस कांड में है? ऑप्शन ए है बालकांड, बी है अयोध्या कांड, सी है सुंदरकांड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या कांड में जो है मंदाकिनी का वर्णन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन ये रहा कि मंदाकिनी वर्णन पाठ किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी नदी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? ऑप्शन है गंगा, बी है यमुना, सी है मंदाकिनी और डी है गंडक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर दस। क्वेश्चन नंबर दस है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? ऑप्शन ए है मृग, बी है पक्षी, सी है नर और डी है ऋषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ऋषि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यह है कि मंदाकिनी राज राज की क्या दिखती है? मंदाकिनी राज राज की क्या दिखती है? ऑप्शन है हंसी निवीब, ऑप्शन बी है नलिनी मीब और ऑप्शन सी है निर्झरी निवीब और ऑप्शन डी है ग्रीनी मीब। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नलिनी मीब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका यह रहा कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? ऑप्शन ए है मदरांचल, ऑप्शन बी है हिमालय और ऑप्शन सी है विंध और ऑप्शन डी है राष्ट्रकूट। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चित्रकूट।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यह है कि नाचने के समान कौन दिखता है? ऑप्शन ए है पर्वत, बी है नदी, सी है वृक्ष और डी है पक्षी। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वत हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह रहा कि हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? ऑप्शन ए है मुनि, बी है पर्वत, सी है मंदाकिनी और डी है चित्रकूट। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंदाकिनी। तो